मावा वाली मिठाई आपने हर तरह की खाई होगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुरती गुलाब कहते हैं और साथ ही में वर्की समोसा। दोस्तों ये मिठाई खाने में काफ़ी ज़्यादा लजीज है, तो वीडियो को पूरे एंड तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों भैया आपकी दुकान जो है ये कब से है, झटपट मिठाई शॉप? ये झटपट मिठाई पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है और आप पांचवी हो? यहाँ पांचवी और ये इसको अभी 45 साल हो गए यहाँ पे, यहीं पे झापा बाजार, झापा बाजार में 45 साल हो गए आपको और यहाँ पर हर तरीके की मिठाई बनाई जाती है गुलाब, और खास तौर पर यहाँ का गुलाब सुरती गुलाब फेमस है। सुरती गुलाब यहीं पे फेमस है, यहाँ पे सुरती गुलाब है, ये सुरती गुलाब आ गया है, ये सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे झापे में, उसके बाद से दूसरी मिठाई बनने मिठाई बनती है। बराबर, तो सबसे पहले आज हम चलेंगे गुलाब की मेकिंग देखेंगे, सबसे पहले गुलाब बनता कैसे और उसके बाद समोसा। ये गुलाब के लिए फूड कलर डाला जा रहा है, उसके बाद इसको पूरा लाल कलर में सान लिया जाएगा। दोस्तों आटे को अच्छी तरीके से साना गया है, बाद में उसे थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक में रख दिया जाएगा ताकि वो थोड़ी देर के लिए अरारोट है। अब ये क्या मिक्स किया आपने? घी। घी इतनी सारी? बराबर बराबर, एक किलो। अच्छा एक किलो में कितना? एक किलो। ये इसमें हमने थोड़ा सा तेल मिक्स कर दिया है, उसके बाद फिर से इसे साना जाएगा। आटे के अंदर चिकनाहट आ जाए इसलिए? नहीं, इसके अंदर आला रोटी मिला है ना, इसको आटे के ऊपर लगाएंगे मेनू। दोस्तों आटा जो ढलने के लिए रख दिया गया था अब वो आ गया है, इसे अब बेलन से बेला जाएगा। उसके बाद जो अरारोट घी तेल का जो मिश्रण बनाया गया था तो उसके ऊपर बारी बारी आप देख सकते हैं कि इसे लगाया जा रहा है और उसको अच्छी तरीके से पूरे के मैदे के ऊपर पूरा बेल दिया गया और उसके पूरा लगाया गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से लगा दिया गया है, उसके बाद इसे बेला गया है। अच्छी तरीके से रोल करने के बाद इसे यहाँ पर नीचे ला दिया जाएगा और इसके बाद ये हाथों से वापस से बेला जाएगा और इसे लंबा किया जाएगा। कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हाथों से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इस गुलाब की छुरी से कटिंग होगी, बारी बारी से इसकी अलग अलग छोटे छोटे एक नाप के पीस बनाए जाएंगे और इसे काट कर अलग रख दिया जाएगा। अब इसकी कटिंग जो हो चुकी है उसके बाद उसके अंदर मावा भरा जाएगा और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से लपेट के उसका आकार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गुलाब किस तरीके से पटक कर और उसके बाद हाथों से गोल करके उसका आकार दे दिया गया। उसके बाद हमारी सारी पूरी प्लेट भरकर यहाँ आ गई। गुलाब मिठाई जो है वो अब तलने के लिए हो गई है तैयार। इसे सीधा तेल में नहीं डाला जाता है, झारे पर जमाया जाता है, फिर इसे तेल में डाला जाता है ताकि इसका आकार जो है वो खराब ना हो जाए। उसके ऊपर हल्की आंच में इसे झारे ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर डोंगे से तेल और घी दोनों को मिक्स करके इसके अंदर इसे तला जाता है। आप देख सकते हैं एक एक तरीके से इसको चेक किया गया है ताकि कहीं से भी लूज ना रह जाए, ताकि मावा बाहर नहीं आ जाए। और हमारी जो गुलाब है वो रेडी होकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तला गई है और तला कर रेडी होकर आ गई है। अब क्या डालते भैया? ये मैदा है। मैदा है और थोड़ा आटा मिक्स किया इसमें? सिर्फ मैदा है। तेल ऐड किया है, थोड़ा पानी आ गया है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया जाएगा। ये आटे को पन्नी में बेक करके रख दिया जाएगा, डल जाए। एक समोसे का आटा है। दोस्तों सबसे पहले अरारोट घी और तेल का जो मिश्रण बनाया गया था अब वो इस पर भी लगाया जाएगा। अच्छी तरह अरारोट लग जाने के बाद इसे रोल किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसे खींच कर और उसके बाद इसे रोल किया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से इसे गोल किया गया है। उसके बाद इसके अंदर सफ़ेद मैदा ऐड किया जाएगा और उस पर भी अरारोट लगाकर उसे गोल किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसे पूरी तरीके से इसके ऊपर अरारोट लगाया जा रहा है और उसके बाद इसे गोल कर दिया गया है। रोल हो जाने के बाद अब इसे हाथ से वापस से लंबा किया जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हाथों से ही बनाया जा रहा है इसे। आप अच्छी तरीके से गोल हो जाने के बाद इसे समोसे की तरह छुरी से काटा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा रोल इस तरीके से तैयार हो गया था, उसके बाद इस रोल की कटिंग हुई है और अब इसमें से समोसे के लिए बेला जाएगा इसको, बाद में इसके अंदर मावा मिक्स करके समोसा तैयार कर दिया जाएगा। तो इसमें भरा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वर्की समोसे, वर्की समोसे बोलते हैं इसको। पहले आपने वीडियो में देखा है जिसको किस तरीके से आटे को सान के और उसके बाद इसमें अरारोट और उसके मसालों के साथ इसको मिक्स करके बेलन से बेला गया था। ये सारे हमारे मावे के बोल्स हैं और इसके बाद इसको
इसको बेल दिया गया और बेलने के बाद इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से भरा जा रहा है। प्लेट हमारी जो है पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गई, जमा हो गई, जम गई है। अब इसकी तलने में समोसे को भी हल्की आंच पर ही तला जाता है, लेकिन इसे झारे पर रखकर तलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे समोसे जो हो गए हैं अब तैयार, तो आइए देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।